सारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रोर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोज गावे कस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि को विद कहि सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव हि किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काबू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
हृदय बसहुं सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। Yeah.
बाप राम कथा के नवमें दिन यानी विराम के दिन फिर एक बार भगवान जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान को नमन करते हुए गौरांग भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्मरते हुए कथा में उपस्थित आप सभी को और अन्य सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। इन दिनों में हम रामचरित अंतर्गत काम के बारे में जो दर्शन है उसको मानस काम सूत्र कहकर उस सब्जेक्ट बना करके हम और आप मिलकर के वार्तालाप कर रहे थे। प्रधान इस तात्विक चर्चा करते हुए जीवन के सत्य की निखालसता से चर्चा करते हुए संक्षेप में कल बालकांड पूरा किया, उसके बाद अयोध्या कांड में महाराज दशरथ जी को परंपरा निर्वाह का लोभ है कि अयोध्या का राजा जो बड़ा बेटा होता है वो ही हो, इस परंपरा का लोभ कई कई में रहा उनका काम और आखिर में कुप भोर में प्रवेश यानी क्रोध। संतों ने बताया महाराज दशरथ जी में ये तीनों दोष आ गए यानी मात्रा वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कथा प्रसंग को, राम वनवास हुआ। भगवान राम लखन जानकी तीनों वनवासी बनकर चित्रकूट में निवास करने लगे। प्रभु को गंगा के तट तक विदाई देकर सुमंत लौटते हैं और यहाँ महाराज दशरथ जी प्राण त्याग करते हैं। भरत जी आते हैं पितृक्रिया करके, पद नहीं कबूल करूंगा, पादुका कबूल करूंगा, सत्ता नहीं सत का स्वीकार, जिसका जीवन ध्येय है वो। भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चित्रकूट जाते हैं। भरत जी की यात्रा में भी थोड़ा थोड़ा भरद्वाज जी के द्वारा भोगों का एक दर्शन कराया गया। प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी रुकते हैं, तब गोस्वामी जी संकेत करते हैं स्त्रग चंदन बनितादिक भोगा। भोगों को एक विस्तार किया भरत के सम्मान के लिए, लेकिन वहां भरत जी की जागृति ने काम किया और भरत जी पास हो गए। उसके बाद भरत जी चित्रकूट आते हैं, उधर से जनक महाराज भी आते हैं, बहुत बड़ी सभाएं होती हैं और आखिर में निर्णय होता है कि पादुका लेकर भरत जी अयोध्या लौटते हैं।
नंदीग्राम में रहकर श्री भरत कठिन तपस्या करते हैं। मानसकार कहते हैं कि भरत जी के चरित्र की ये कथा, उनके नियम और प्रेम की गाथा जो सुनेंगे गाएंगे उसको सीताराम जी के चरण में प्रेम की प्राप्ति होगी और भोगों की निवृत्ति होगी। जैसे प्रकाश होता है और अंधेरे को मिटाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधेरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे प्रेम की प्राप्ति होते ही विषयों की मात्रा समाप्त हो जाती। ऐसा एक फल बताया, अयोध्या कांड समाप्त किया। अरण्य कांड में भगवान राम शुरुआत में जानकी जी का श्रृंगार करते हैं और फिर सुंदर श्रृंगार रस की वहाँ कथा है, आप जानते हैं। उसके बाद भगवान चित्रकूट से आगे यात्रा करते हैं, अत्रि आदि ऋषियों को मिलते मिलते भगवान रास्ते में गिधराज जटायु से मैत्री करके भगवान पंचवटी में विराजते। पंचवटी में एक बार शूर्पणखा आती है, वहां भी थोड़ा काम का जिक्र है। शूर्पणखा दंडित होती है, खरदूषण को उकसाती है, 14,000 राक्षसों की सेना वीर गति को प्राप्त करती है और शूर्पणखा रावण के पास लंका में जाकर उसको एकदम उकसाती है और रावण सोचता है कि खरदूषण में मेरे समान शक्ति है, उसको भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। यदि राजकुमार तपस्वी ब्रह्म है तो उसका दर्शन करके मैं धन्य होऊंगा, और कोई सामान्य है तो उनकी सुंदर नारी का अपहरण करूंगा। मैं तो यही कर सकता हूं, भजन तो नहीं हो पाएगा, स्वीकार करता है आदमी। फिर मारीच को लेकर योजना बनी, पूर्णिमा आया, सीता कर हरणा, सीता जी का अपहरण करता है। गिधराज जटायु जानकी को बचाने में बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, और इस तरह जानकी का अपहरण करके रावण लंका में गया और सीता जी को अशोक बाग में रख देता है। बहुत प्रकार से वो सीता की दृष्टि पाने की कोशिश करता है, असफल रहा। भगवान राम जानकी की खोज में निकले हैं, जटायु को पितृतुल्य आदर देकर उसको दिव्य गति दी और राम लक्ष्मण जानकी की खोज करते 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 शबरी के आश्रम में आते हैं। नौ प्रकार की भक्ति का सद्बोध हुआ, दर्शन हुआ, शबरी की भी गति हुई और भगवान फिर वहीं से यात्रा करते हुए पंपा सरोवर के तट पर आते हैं। आगे आगे वहाँ फिर काम का वर्णन है। भगवान राम सीता के वियोग में जा रहे हैं और कहते हैं, देखहुं लखन बसंत सुहावा, प्रिया हीन मोहि भय उपजावा। एक वसंत ऋतु थी पुष्प वाटिका मां, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। वो वसंत ऋतु राम के लिए सुखद सिद्ध हुई क्योंकि वहां सीता थी, और ये अरण्य कांड वाली वसंत ऋतु राम जी के लिए भय पैदा कर रही है क्योंकि सीता नहीं है। कोई भी ऋतु सुख दे या भय दे, दुख दे, आधार है हम किसके साथ है। यदि भक्तिमय जीवन है, प्रेममय जीवन है, तो जहां रहो कायम वसंत ऋतु, जहां वसंत ऋतु रही लुभाई। और भक्ति नहीं है, प्यार नहीं है, तो वसंत ऋतु भी बड़े बड़े साधक को भयप्रद दुखप्रद सिद्ध होती। फिर भगवान इस वसंत ऋतु का वर्णन करते देखते आगे बढ़ते फिर काम का जिक्र आता है।
लक्ष्मण देखत अनिका भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो ये काम की सेना है, अनेक मानी सेना लश्कर, काम एक नहीं है पूरी सेना है। इसका मतलब काम की मात्रा बढ़ जाती है तब काम, जिसकी बार बार हम चर्चा करें, अकेला काम, मात्रा में काम, संतुलित काम। मैं कल रात को भी कह रहा था कि अपनी थाली में जितना भोजन परोसा वो आप स्वाद से भोजन करते कर लें, पोषण होगा, लेकिन पूरे किचन को खाने की बात छोड़ दीजिए। हमारे पातल में जो आए, कामदेव हमारी एक आवश्यक वृत्ति है, उसका संतुलन, लेकिन इस सेना के रूप में मात्रा बढ़ जाए, बड़ी लश्कर लेकर आता है, तब राम कहते हैं कि उस समय तो धन्य है वो जो उस समय धैर्य रख धारण कर सक, धैर्य धारण करे, उसकी तो जगत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लश्कर के सामने धैर्य रखना, मात्रा बढ़ जाए फिर धीरज रखना बहुत मुश्किल है। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण, ये कामदेव का सबसे बड़ा बल नारी है। गोस्वामी जी बोले परम बल का सबसे बड़ा बल एक नारी है, स्त्री है, और इससे जो बच जाए उसके समान कोई विश्व में सुभट्ट नहीं। आगे बोले तात ती अति प्रबल खल काम क्रोध मुनि विज्ञान नीति कर निमिष मन। हे बाप, काम क्रोध लोग ये बड़े बलवान हैं, विज्ञान के धाम ऐसे महापुरुषों के मन में भी एक क्षण में वो विक्षेप और क्षोभ पैदा कर ही देता। राम तो अखंड ज्ञान के प्रतीक है, लेकिन उसके मन में भी काम ने क्षोभ किया। भगवान शंकर के लिए तो क्या कहे, चिदानंद संदोह मोहापहारी। ऐसे भगवान शंकर के मन में भी एक क्षण के लिए क्षोभ पैदा कर सकता है। मुनि विज्ञान धाम कर ये निमिष मह क्षोभ क्रोध लोभ की इच्छा दंभ बल काम के बल नारी क्रोध के परुष वचन बल मुनि वर विचार। लोभ को दंभ और इच्छा का बल रहता है, इच्छा जिमी प्रतिलाभ इसकी चर्चा बीच में हुई, और दंभ रहता है ऊपर से दानवीर का दावा और भीतर
लोभ ये दंभ वृत्ति लोभ को प्रबल बना दे। कितना सुंदर सटीक, कोई काट न सके ऐसा मनोविज्ञान है तुलसी का। लोभ को इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी, काम को केवल केवल नारी का बल है। क्रोध को परुष वचन बल, क्रोध को हे लक्ष्मण कर्कश वाणी का बल है। कोई कठोर वाक्य बोले तो क्रोध बहकने लगता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि लोग सोच समझ कर कहते रहते हैं। गुना भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी प्रभु तो गुणातीत है, न उनमें रजोगुण लोभ है, न तमोगुण क्रोध है, न सतोगुण काम है। ध्यान देना, मात्रा में काम सतोगुण है, इस सूत्र को मत भूलिएगा, इस सत्व को। लोभ सदा सदा रजोगुण है और क्रोध सदा तमोगुण। राम में न रजोगुण है न तम, ईश्वर के रूप में ब्रह्म के रूप में ये गुणातीत है, इनमें कोई वस्तु नहीं आ सकती। इस सचराचर के स्वामी हैं। हे उमा, राम सब जानते हैं, लेकिन ये हम सबको सावधान करने के लिए लीला कर रहे हैं। परमात्मा अपने ऊपर काम की चर्चा करके, काम के द्वारा क्षोभ महसूस करके विश्व को कामी व्यक्ति की दीनता का दर्शन करा रहे हैं कि काम कितना दीनहीन बन जाता है, कामी कितना दीनहीन बन जाता है। और इस बहाने धीरजवान का वैराग्य को दृढ़ करते हैं। कौन है उसके सामने धीरजवान? आज लक्ष्मण उसके वैराग्य को प्रबल कर रहे हैं, कामी की दीनता दिखाकर वैराग्यवान की वृत्ति को मजबूत करने के लिए भगवान ये लीला कर रहे। माया केवल राम की कृपा से छूटेगी। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जाप साधक कभी इंद्रजाली माया में फंसेगा नहीं जिस पर नट अनुकूल हो। काम साधक को मरकट बना सकता है, लेकिन राम का आश्रय करेगा, राम जैसा कोई नट उन पर हो तो उसका जंबूरिया इंद्रजाली माया में बुलावे में नहीं पड़ता। आगे बोलो। जगत सब सब सब
हे उमा, हे पार्वती, हे देवी, मैं मेरा अनुभव कहता हूँ। मुझे राम का भी अनुभव है, काम का भी अनुभव, शिव अनुभव कह रहे। मुझे बहिर जगत का अनुभव है, अंतर जगत का अनुभव है। मैं अनुभव कहता हूँ, इस संसार में भजन ही सत्य है, जगत सपना है। अब कल हमारे पास दो पंडित जी आए थे तो पूछ रहे थे, ये जगत सब सपना का क्या मतलब। मैंने बात टाल दी कि भाई वो शंकर जाने, विनय पत्रिका में एक पद है, मैं हरि साधन कछु न जानी। हे प्रभु, मेरे पास उपाय नहीं है, मैं साधन नहीं जानता। जस आमय औषधि किन्ह न तस, मेरे पास मुझ में जैसा रोग है ना, ऐसी औषधि में नहीं कर पाया, इसलिए मेरे दोष का नाश नहीं हो रहा। फिर तुलसीदास जी दृष्टांत देते कि कोई राजा ब्राह्मण कुल की हत्या कर दे और फिर वो कितने ही बाजी में यज्ञ करे कि मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी, प्रायश्च के लिए यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, एक करे एक करे, लेकिन कितने ही सत्कर्म करें तो भी ब्रह्म हत्या का सपने में जो हुआ है वो पाप जाएगा नहीं। उसका अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, केवल जागने की जरूरत है। फिर सर्प का दृष्टांत देते हैं, फिर ये मृग मरीची का दृष्टांत गोस्वामी जी देते। उपाय ठीक न होने के कारण जगत सपना, और ये सही में, और सपना जब तक सपने में, हमें बड़े बड़ा पंडित भी सपने को सच समझता है। प्रश्न है जागने का, जाग जाए ये सब सच लगता है। मैं कथा करने आया हूं, आप आए हैं, सब चले जाएंगे, फिर मिलेंगे, ये सपना नहीं लगता है। सपना नहीं लगता है इसलिए क्योंकि सपना है। जागृति आने पर कुछ नहीं रहता, हम जागे नहीं, और हमें तो यह सपना भी आनंदित देता है कि कथा तो करने मिलती है, अच्छा है इसमें क्या। तुलसीदास जी तो कहते विनय में, जागे पंडित लोग, जागे योगी लोग, जिसको भरोसा ना हो। मैं तो मेरे राम के नाभाजी के आश्रम में गए तब कहते हैं, मैं तो राम की चरण धूल में पड़ा हूं, मैं क्यों जागू। तो सत्य भजन है, पर जगत भी जब तक सोए हैं तब तक तो काम मिथ्या लगता है। सुनो, सब प्रवचन होते, तो मेरे भाई बहन, शिव जी ने बड़ा सुंदर अपना मत पेश किया और फिर आगे कहे, जागने का है, सब बात समझ में, हम जागे नहीं है इसलिए सब मुश्किल है। ऐसा मैं वो कहानी सुनाता रहता ना कि एक आदमी ने सपने में बैंक लूटी, बहुत बड़ी राष्ट्रीय बैंक में डाका डाला और पूरी संपदा लूट ली और रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस पकड़ करके उसको जेल में ले गई, मुकदमा चला, उसको 10 साल की जेल हुई सपने में। सर फिर सपने में 7 साल की जेल उसने भोग डाली, 3 साल बाकी है। अब 7 साल का पुराना कैदी तो जरा
रीढ़ा गुनेगार हो गया था, तो पुलिस को पीटा जेल में, कुछ बातचीत हो तो पीटने लगा और पुलिस ने उसको मारा। वो मारने सब सपने में, ये मारने सपने की पिटाई में वो जाग जाता है, और जागा तो बिस्तर में है, न कोई बैंक लूटी है, न कोई जेल है, न मुकदमा है, न किसी से लड़ना है, न किसी ने पीटा है, न कुछ, एकदम जाग करके वो करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा सोए रहो ना, क्यों जागे, क्या बात। बोले मैंने बैंक लूटिया, अब सोए रहो ना, बैंक लूटी। अरे सच कहता हूँ, मैंने बैंक लूटी, रंगे हाथ पकड़ा गया, मुकदमा चला, 10 साल की जेल, 7 साल भोग ली, पुलिस से मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने मुझे पीटा, तो डंडा मार रहा था, मैं जाग गया। अब सो जाओ, ये सब सपना है। लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि 7 साल की जेल मैंने भोग ली, 3 साल बाकी रही, उसका क्या। पत्नी ने कहा सोए रहते ना, सपना रहता तो 3 साल भी भोगनी पड़ती, अब जाग गए तो 3 साल खत्म हो गए। आदमी जब भी जागा संसार से मुक्त हो जाता है। सवाल जागना है बस, विवेक में जागना है बस। बस ऐसी लक्ष्मण के साथ चर्चा करते करते भगवान पंपा सरोवर जाते हैं और फिर वहाँ नारद जी से मुलाकात होती है। फिर नारद जी भगवान को पूछते, फिर नारद को वो काम याद आया कि महाराज जरा बताइए कि मैं विश्वमोहिनी को ब्याहने चला तो आपने मेरी शादी क्यों होने नहीं दी। नारद अभी शादी भूला नहीं, महाराज हुआ तो अच्छा लेकिन कारण तो बताओ कि आपने मेरी शादी रोकी क्यों। फिर भगवान इन आसक्ति का बोध करने के लिए मोह विपिन कहा नारी बसंता कामना की चर्चा करते। फिर नारद संत के लक्षण पूछते हैं और भगवान संतों के लक्षण की बात करके अरण्यकांड गोस्वामी जी पूरा कर देते। फिर किष्किंधा कांड में पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण करभंग, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव राम की मैत्री होती है, बाली का प्राण भंग होता है, भगवान सुग्रीव को राज तिलक करते और अंगद को युवराज उत्तराधिकारी नियुक्त करते। सुग्रीव को भोग मिल गया और कामना में लोभ में फंसकर वो प्रभु का कार्य भूल जाता है। और फिर भगवान 4 महीने के बाद लक्ष्मण जी को कहते हैं लक्ष्मण सुग्रीव ने मेरा कार्य बेसार दिया, क्योंकि उसको सुख मिल गया, भोग मिल गया। और लक्ष्मण जी जाते हैं क्रोधवंत होकर और फिर सुग्रीव को प्रभु की शरण में ले आते, जागृत कर देते। जागा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को जगा सकता है, इसलिए लक्ष्मण जी को भेजे गए। सुग्रीव शरण में आता है लेकिन बड़ा होशियार लगता है, बड़ा बुद्धिमान है सुग्रीव। भगवान कुछ कहे कि तूने मेरा काम भुला दिया, सीता की खोज करूंगा, लेकिन तुम्हें तेरी पत्नी मिल गई, संसार के भोग मिल गए, तो बस सब राम कार्य छोड़ दिया तूने। कहा भगवान इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है। अरे हद है, लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तुझे मारा नहीं, इसका ये परिणाम है कि तू मेरे भगवान के मुंह लगता, हमारा क्या कसूर। बोले महाराज यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ। नारी के नेत्र बाण से बचना, क्रोध से बचना और लोभ के फंदे से बचना, ये तो केवल आपकी कृपा से हो सकता है। मैं फंस गया इसका मतलब मेरा दोष नहीं, आपने कृपा नहीं की इसलिए आपका दोष है। भगवान हंस पड़े कि अद्भुत है। लेकिन कैसे भी जीव प्रभु से चालाकी करे, शरण हो जाता है ना, तो मेरा प्रभु बहुत कृपालु है, उसको कृतकृत्य कर दे। तो वहां भी यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा आओ कोई कोई। फिर जानकी की खोज के लिए योजना बनी, हनुमान वाली टुकड़ी स्वयं प्रभा को मिलकर संपाति को मिलते हैं और पक्का होता है कि सीता लंका में अशोक वाटिका में सोचरत बैठी है। अब जाए कौन,
जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, अंगद कहे जा तो सकता हूँ लेकिन सुना है लंका तो बड़ी रमणीय नगर है, वहाँ तो सोना है यानी लोभ भी हो सकता है, राक्षस आसुरी वृत्ति है तो क्रोध भी हो सकता है, और इतनी वनबाग उपवनबाग नरनाग सुर गंधर्व कन्या तो काम भी प्रकट हो सकता है, तो लौटने में मुझे तकलीफ है। बेचारा अपनी कमजोरी कह देता है कि वहाँ जाऊँ और फंस जाऊँ तो, इसलिए जिए संशय कजू फिरती बार, लौटने में जरा संदेह, जा तो अभी सकता हूं लेकिन फिर वहां बस गया तो माफ करना। जामवंत ने कहा तो ये तो ठीक नहीं, तू वहां फंस जा तो क्या करे। किसी ने कहा हम इतना कर सकते, किसी ने इतना, हनुमान जी चुप बैठे। जामवंत ने कहा बाबा आप चुप क्यों हैं, आप ही तो काम के लिए, राम काज लगी तब अवतार, आपका अवतार कार्य राम के लिए ही तो है। और हनुमान जी पर्वताकार हो गए। जामवंत को कहा मुझे सिख दो मुझे क्या करना, वरना मैं सब पूरा करके लौटूंगा। जामवंत ने कहा आप ऐसा ऐसा करना, आप माँ की खबर लेकर आना, संदेश देना, फिर भगवान सेना लेकर जाएंगे और प्रभु रावण आदि राक्षसों का निर्वाण वो करेंगे और प्रभु की कीर्ति में हमारी कीर्ति भी गाई जाएगी, वहां किष्किंधा को पूरा करते। सुंदरकांड में हनुमान जी समंदर नांग करके लंका में एक शिखर पर खड़े हैं और लंका का दर्शन करते हैं, और इतनी रमणीय भोग प्रधान लंका को देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि क्या करूं। रात्रि के समय लघु रूप लेकर प्रवेश करो और रात्रि के समय में हनुमान जी मच्छर के समान रूप ले लेते हैं। मशक समान रूप कपी धरी चले सुमिरि। मच्छर नहीं हो ये हनुमान जी, मच्छर के समान उसमें सिद्धि है, अणिमा लघिमा ये सब सिद्धियां, हनुमान जी बड़े भी हो सकते छोटे भी, सिद्धि का प्रयोग मच्छर के समान छोटे। कई लोग कहते मच्छर बने, मच्छर नहीं बने छोटे बने, और कई लोगों को आपत्ति है कि इतने छोटे बन गए तो मुद्रिका कहाँ रखी, राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो कहाँ रखी। अब भाई आज के मच्छर हमारी बॉडी के साइज के अनुकूल छोटे छोटे हैं, अब रावण की बॉडी, राक्षसों की बॉडी बड़ी, देह विशाल, बड़े बड़े विशाल काय थे, तो मच्छर भी एक एक फुट के होते थे उस जमाने के, तैरता युग के मच्छर की कहानी है आज की नहीं, तो एक एक फूट के रहे होंगे तो मुद्रिका रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए चिंता नहीं। अथवा तो हनुमान चालीसा में लिखा प्रभु मुद्रिका मेरी एकदम छोटे हो गए, मुख में मुद्रिका, राम नाम तो मुख में ही शोभा देता। तो श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, लंकिनी को विरक्त करके बीच में जितने विघ्न आए समंदर मार्ग पर वो सुरसा आदि आदि का वो करते, लंकिनी को वो करके हनुमान जी रावण की नगरी में प्रत्येक मंदिर में देखता है लेकिन कहीं सीता नहीं पाई। आखिर में विभीषण से भातृभाव पैदा होता है, युक्ति बताता है विभीषण और हनुमान जी माँ जानकी के दर्शन पाते, बीच में रावण की बात आ गई। हनुमान जी ने कहा मैं राम दूत हूँ माँ, ये मुद्रिका मैं लाया। माँ को जब भरोसा हुआ तब श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे। अजर अमर गुण सुन हो कर बहुत
रघुनायक छो। अजर हो गए, अमर हो गए, भगवान तुझ पर बहुत कृपा करेंगे, कृपा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। निरंतर हनुमान जी निर्भर प्रेम में डूब जाते, कहते मुझे भूख लगी, माँ ने कहा जरा मधुर मधुर फल खा रहा, फल खा रहे हैं, वृक्ष तोड़ रहे। राक्षस भागे और रावण को कहा एक बड़ा बंदर आया है, फल खाए उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन इतने पुराने पेड़ तोड़ रहा। हनुमान जी को लंका का नवसर्जन करना है, पुरानी परंपराएं तोड़, जो मूल डालकर जड़े डाल करके जो थी इस परंपरा को तोड़ना, इसलिए फल खाते और तरु तोड़ रहे। फिर अक्षय कुमार आया, अक्षय कर दिया, इंद्र जीत आया, बांध कर लंका के दरबार में ले गए। रावण को देखा, हनुमान जी को लगा है बड़ा बड़ा, बहुत खुश हुए हनुमान जी। रावण को देखा, उसको चेला उनका है ना, कि मेरा चेला है, कितना वैभव प्राप्त कर, कौन गुरु खुश नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझ जाए तो बात बन जाए। फिर हनुमान जी के साथ रावण का वार्तालाप होता है और आखिर में हनुमान जी को जलाने की योजना बनी। और श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि रावण विराट का रोग है, और ऐसा विराट रोग है कि छोटा रोग हो ना तो थोड़ी स्वर्ण भस्म से काम हो जाए। मृगांक रस गोस्वामी जी विनय में कहते हैं, ये मृगराज रस जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी सोने की भस्म करके जो मृगांक रस बनाया जाता है, विनय पत्रिका में उसका जिक्र है। तो भगवान ये रावण एक विराट रोग है, उसमें छोटी स्वर्ण भस्म से काम, इसलिए पूरी लंका रत्न धातु से भरी लंका उसके आयुर्वेद के हिसाब से जला करके उसकी भस्म बना करके विश्व को इस विराट रोग से मुक्त करना था, ऐसा गोस्वामी जी आध्यात्मिक रूपक बना देते हैं विनय। खैर, पूर्वदयी नाग है बहुरी पयोधी, श्री हनुमान जी लंका दहन करके माँ से चूड़ामणि लेकर लौटते हैं, भगवान को सब खबर देते हैं और फिर सब निकल पड़े। समंदर के तट पर प्रभु के सेना आ गए। यहाँ रावण सोच रहा है क्या करें, विभीषण ने अच्छी सलाह दी कि अब छोड़ो ये सब, राम भजो, विभीषण को निकाल दिया। विभीषण भगवान की शरण में आता है, प्रभु ने रखा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, असागर निग्रह कथा सुहाई, सेतु बांधि कपि सैन जीवि उतरे सागर पार, गयो बसिठि वीर भर विधि। भगवान राम सेतु बनाते हैं, निर्णय करते हैं, सागर पर सेतु बनाने का फैसला होता है और वहां सुंदरकांड पूरा कर दिया गया और लंका कांड के आरंभ में सेतु निर्मित हुआ और भगवान रामेश्वर की स्थापना की। एक बार जय घोष, बोलिए रामेश्वर भगवान, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिशंता भिजा कशी। शिवजी की स्थापना, प्रभु राम लंका के सुबेल पर अपना डेरा डालते, रावण अखाड़े में आकर मनोरंजन प्राप्त करने लगा। इतना प्रबल वैरी आया है, लेकिन जिसके मन में जरा भी भय नहीं,
भगवान राम अपने मित्रों के साथ लेटे हैं, गुप्तगू कर रहे हैं। और फिर पूर्णिमा का चंद्र देखकर भगवान पूछते हैं कि भाई ये चंद्रमा में काला दाग क्या है, सबकी मानसिकता नाप रहे ठाकुर। उसके बाद भगवान ने देखा क्या, विभीषण लंका में आजकल वर्षा ऋतु है? बोले नहीं तो, तो ये बादल उमड़ उमड़ कर चढ़े हैं, बिजली कौंद रही है, धीरा धीरा मेघ गर्जन हो रहा है, जरा जल्दी बता कोई ऐसी सुरक्षित जगह हो तो हम सब वहीं रहें, ये तो बादल उमड़ रहे। विभीषण मुस्कुराया, कहा ठाकुर मैं क्या कहूँ, ये मेघ नहीं है, मेरे बड़े भाई का वैभव है, विलास है। बोले ये मेघ की घटा आपको लगती है, ये बादल नहीं है, मेरे भाई बैठा है अखाड़े में और उस पर जो मेघाडंबर छत्र घूम रहा है वो आपके मेघ की घटा दिखती। आप कहते बिजली कौंध रही है, लंका के पाट महिषी मंदोदरी रावण के साथ बैठी हैं और उसके श्रवण ताटंक कान के करण फूल जो हिल रहे हैं वायु के कारण वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। और महाराज गंधर्व आदि किन्नर आदि गान तान कर रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, ये मेघ की मीठी गर्जना हो रही है। प्रभु बहुत खुश हो, तो भगवान अब रावण का महारस भंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये आदमी इस रस में चला गया। और मैंने आपको कहा था कि काम को न बस करना है, न काम के बस में होना है, रस में जीना है, और रस की वृद्धि महारस तक होनी चाहिए। रावण करीब करीब महारस तक पहुंचने में, और भगवान को लगा कि ये महारस में डूब जाएगा तो फिर लीला अधूरी रह जाएगी, इसलिए परमात्मा ने उसके महारस का भंग करने को सोचा। और भगवान ने एक फेंका तीर, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, एक ही बाण से छत्र गिरा, ताटंक गिरे, मुकुट गिरे, कोई अच्छा निशाना लेता है तो आदमी वाह वाह करने लगता है, दांत देने लगता है, भेंट देने लगता है। कोई अच्छा गाता है तो हम नहीं रुपये उड़ाते हैं, सब दाद देते। रावण ने सोचा कि मेरा रंग रस भंग करने वाला हो, क्या ताकत है, क्या समझदारी है, मेरे महारस में भंग किया और इतना खुश हुआ रावण कि सोचा कि मैं क्या उड़ाऊं, तो अपने शिर के मुकुट उड़ाने लगा, ले ले ले, जिसको दे देना वो दे दे। ये संकेत था कि अब मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मुकुट दे देता हूँ, थोड़ी देर के बाद शीर भी दे दूंगा। मालिक अब तेरे पास जो मेरा भाई आया है ना, मैंने जानबूझकर भेजा है, उसको ये मुकुट दे देना। उड़ा दिया, दाद दे दी। इसका बिलग रूप में अर्थघटन एक बार व्यासपीठ ने किया था, खैर छोड़ो, समय का अवकाश नहीं है। बस निर्णय हो गया रावण और राम के बीच में कि अब थोड़ा खेल बात बाकी है, खेल कर ले और बात खत्म कर दे। फिर रावण अपने महल में जाता है, मंदोदरी कुछ कहती है, सबको टाल देता है, बाद अरे आराम करो सब सो। अरे चर्चिल कहता है कि सो जाओ ने, सुबह देखा जाएगा साहब, एक चर्चिल में इतनी, तो रावण तो इतना जागृत आदमी रहा होगा, कितना ज्ञानी, उसने कहा कि इसमें मुकुट गिरे, इसमें कोई अपशुकन नहीं हो सका, सो जाओ आराम करो सब, जाओ देखा जाएगा सुबह। फिर यहां सुबह होती है और भगवान राम अंगद को भेजते हैं कि भाई एक बार उसको समझा दो तो युद्ध न किया जाए, प्रक्रिया पूरी की जा रही, राजनीति है, बाकी निर्णय तो दोनों ने आपस में कर लिया है ऑलरेडी।
दो सत्ताएं जैसे निर्णय कर लेते हैं, लेकिन बीच में थोड़ी राजनीति दुनिया को दिखा देते हैं कि ऐसा करना ऐसा करना। इसलिए क्या अंतर्यामी राघव को पता नहीं कि अंगद सफल होने, और राम चाहते भी नहीं थे कि संधि सफल हो, राम चाहते थे कि अब रावण का निर्वाण हो। आखिर में मेरा ही तो द्वारपाल है, प्रमोशन दे दूँ। अब तो द्वार तक रहता था, अब मुख द्वार में समा जाए, प्रमोशन देना है उसको। युगों से वैकुंठ के द्वारपी की द्वारपाली कर रहा था ये जय विजय को, उसको अब प्रमोशन देना है प्रभु को। तो भगवान और रावण की योजना, इसलिए तुलसी जैसे देखिए आप अब बिल्कुल खेल खेल में लिखते काक भुसुंडी में, निश्चर की सलराई वर्ण सी विविध प्रकार, मानो खेल खेल एक रमत है, एक लीला मात्र है, एक औपचारिकता निभा रहा है। निश्चर की सलराई वर्ण सी विविध प्रकार, और फटाफट कुंभकर्ण घननाद कर बल पौर संकार, निश्चर निकर वर्ण विधि नाना, फटाफट एक मानो एक औपचारिकता पूरी कर देते हैं ताकि निर्णय हो चुका। संधि हुई नहीं, यहां अंगद के मुख में फिर एक बार काम का स्मरण होता है। धनवी काम नदी पुनि गंगा, ए रावण कामदेव को तू केवल धनुर्धारी एक शूरवीर ही मत समझना, ये केवल धनवी नहीं है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति के मन की वृत्ति है। ऐसा अंगद बोल गया है रावण की सभा, धनवी काम नदी पुनी गंगा, अरे गंगा को तू नदी कहता है, गंगा कोई नदी है, ये नदी नहीं है, ऐसा कहकर जो कुछ विभूतियों की चर्चा कर लेता है अंगद, उसकी भी वहां स्मरण होता है। खैर फिर बड़ा भीषण युद्ध हुआ, रघुपति रावण समर बखाना, रावण और रघुपति का समर रणांगण का खेल हुआ। रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव सो, 31 बाण से प्रभु ने रावण की मुक्ति की, मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया रावण की क्रिया की, और विभीषण को राज मिल गया। जब जय जयकार बोलिए रामचंद्र भगवान। फिर विभीषण को राज तिलक हुआ, माँ जानकी जी को खबर कर दी गई, सीता जी को फिर लीला पूरी हो गई, तो एकदम मूल रूप में जानकी जी को प्राप्त कर लिया। मूल मूल सेवकों को लेकर पुष्पकारूढ़ भगवान राम अयोध्या की ओर यात्रा करते हैं। सेतुबंद रामेश्वर का दर्शन हुआ सस जानकी, और फिर मुनियों को मिलते मिलते श्रृंगवेरपुर विमान उतरता है, हनुमान जी को अयोध्या भेज देते हैं, और भगवान का विमान श्रृंगवेरपुर आया। गुह आदि ये भील लोग प्रभु को फिर मिलें, और भगवान उसको गले लगाते हैं, और वहाँ लंका कांड पूरा हो जाता। उत्तरकांड में सब मिलन 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 मिलन, सबको अब सब प्रत्याहार हो रहा है, सबको सबको मिला रहे हैं, सबको एकत्रित कर रहे हैं प्रभु। मेरे अयोध्या कांड से सब बिखर जा रहे हैं, ये सब कोई इधर कोई इधर कोई उधर, सब एकदम वो होता, अब बिल्कुल सबको समेट रहे हैं। तो यहाँ हनुमान जी उत्तरकांड के आरंभ में भरत जी को खबर करते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है, और हनुमान जी लौट कर राम जी को भी कह देते हैं कि प्रभु अब देर न करें। विमान लेकर सरजू के तट पर विमान चलत विमान कोलाहल, जो लंका से चला था वो विमान सरजू तट पर उतरता है। पूरी अयोध्या दौड़ी, श्री भरत और राम का मिलन हुआ, भाइयों को मिले, इतनी जनता थी 14 साल के बाद प्रभु को मिलने के लिए, इसलिए प्रभु ने कौतुक किया। भगवान ने जितने लोग जितने जीव जितने जड़ चेतन पदार्थ ये सबके लिए एक एक रूप लिया, यानी दुनिया को बताया कि मैं सब में हूं। अमित रूप प्रगति में जथा योग मिले सब। परमात्मा
परमात्मा ने हमें ही रूप लिया और सबको लगा कि भगवान मुझे ही मिले, क्योंकि मिलने वाला इतना एक रूप हो जाता था कि उसको पता ही नहीं कि ये व्यापक ब्रह्म सब उसमें समाये हुए, सबको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। प्रभु भवन पदार्थ हैं, सबसे पहले कई कई को मिले, सुमित्रा आदि माता को मिलकर कौशल्या माँ को मिले हैं, और वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को कहा कि भाई आज ही रात तिलक कर दे। बोले आज ही, कल का भरोसा न करे, रात तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ममता की अंधेरी रात ने ही 14 साल का वनवास पैदा करा दिया था। ममता रजनी है, रात है। तुरंत निर्णय कर लिया राज तिलक का, सब तैयारी हुई, दिव्य सिंहासन पर भगवान राम जानकी विराजित हुए, आकाश के देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार हुआ। सबसे पहला तिलक वशिष्ठ जी ने राम के बाल में किया और विश्व को राम राज्य देते हुए प्रभु का राज तिलक हुआ। एक बार जय घोष की, बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय, श्री सीता राम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, भारत माता की जय, धरती राज्याभिषेक हुआ, आरती हुई, चारों वेद आए बंदी जन के रूप में, प्रभु की वेद स्तुति करके ब्रह्म भवन ब्रह्म देवता चले गए, यानी वेद चले गए। फिर कैलाशपति महादेव स्वयं पधारे राज दरबार और भगवान राम की सुंदर स्तुति महादेव ने की, गोस्वामी जी ने की। जय राम रमणम समनम भवय पापभयाय कुल हरि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पड़ गए। राज्याभिषेक हुआ ना, जब सौगंध विधि होती है किसी सीएम की पीएम की, तो फिर कितने को मिलता है, तो सबको। इसमें शंकर भगवान इतनी स्तुति कर और भगवान सुग्रीव को सबकी बात में सब में पड़ गए। राज्याभिषेक शंकर भगवान जोर जोर से स्तुति कर और भगवान का ध्यान दूसरी हो। अब शंकर ने कहा महाराज महिपाल बिलोक ये दीन जन्म, हे महिपाल मैं एक दीन तो आपके पास आया हूँ, मेरी और जरा निगाह करें। तब प्रभु मुस्कुराए, महादेव माफ करिएगा। बोले क्या चाहिए? बार बार बर मांगम अरसि देव पद सरोज सदा। बार बार मांग रहा हूं, भिक्षुक बनकर भोले बाबा आए।
और कोई बार बार किसी के पास मांगे नहीं तो देने वाले का मुंह बिगड़ जाएगा, वो प्रसन्न नहीं रह सकेगा। अरे कितनी बार आपको देना, बार बार मांगते हो। ये शंकर भगवान कितने प्रैक्टिकल है, उसको कि मैं बार बार मांगू तो शायद सरकार का चेहरा जरा बिगड़े, इसलिए कहते बार 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 मांगू, आदत है, माफ करिएगा। हर्षी देहु शरीर, हर्षित होकर देना, मुंह बिगाड़ कर मत देना। मुंह बिगाड़ कर दोगे तो आपका दान सफल नहीं होगा और मुझे भी होगा कि दिया तो भी चिड़चिड़ करके दिया, दोनों का सफल हो इसलिए जरा खुश होकर देना। मैं तो मांगन हूँ, बार बार मांगूंगा। हर्षि देहु शरीर अंग, भगवान ने कहा क्या चाहिए? पद सरोज अनपाई नहीं, आपके चरण कमल में अनपाई नहीं भक्ति, और मुझे निरंतर सत्संग प्राप्त हो। भरणी उमापति राम गुण हर्षित गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद पास। महादेव राम गुण गान गाकर हर्षित होकर कैलाश गए। भगवान ने अपने मित्रों को निवास उतारा दिया। 6 मास बीत गए, अब मित्रों को विदा दे दी कि आप सब जाकर अपना उत्तरदायित्व निभाओ, यहां रहकर आपको किष्किंधा और लंका की याद आए, इससे बेटर है कि आप वहां जाकर मुझे याद करो, आपके घर में जाकर। कल एक बुजुर्ग मुझे पूछ रहे थे ना बापू, एक जिज्ञासा है, रात को पूछ रहे थे कि मुक्ति किस धाम में मिले, जगन्नाथपुरी में, काशी में, अयोध्या में। हाँ ये सब बताया कि उस धाम में कोई आखिरी उम्र में जिए तो मुक्त। मैंने कहा ये सब धाम तो महान है ही, वहाँ तो मुक्ति ही मुक्ति है, लेकिन सच्ची मुक्ति अपने घर में मिलती है, घर में बैठे बैठे हरि भजन कर। वहाँ जाने के बाद घर सबसे बड़ा धाम है, घर को जिन्होंने धाम नहीं समझा घाम समझा, घाम मानी संताप, उकलाट, उद्वेग, मध्य दिवस अति शीतन, घाम घाम मानी अग्नि, गर्मी, घाम। गुजराती में लोगों घाम घाम बहुत आए, ये बिल्कुल वो ही देहाती गुजराती शब्द तुलसीदास जी यूज कर, घाम हमारे सौराष्ट्र की भाषा में घाम। भाई बहुत बहुत घाम था ये, रणछोड़ घाम बहुत है, क्या लागे ऐसा पटेल लिया बात करता है, घाम। धाम में अपने निज घर में बैठो यार, फिर भी धाम की महिमा तो अवश्य है, जरूर चाह ली सब प्रकार की सुविधा, और कई धाम में आपको रहना हो तो ठीक है, बाकी तो सबसे बड़ा धाम निज धाम अपना घर, और घर में भी, और फिर अपने निज धाम में जाओ, अपने भीतर, अपना भीतर का धाम, उसी में बैठने से मुक्ति मुक्ति है। तो सबको प्रभु ने कहा जाओ, या सुग्रीव विभीषण जा तो सब काम करो, या एक हनुमान जी नहीं गए? हनुमान जी ने कहा मुझे कहाँ भेजो, मेरा कोई धाम ही नहीं, कोई घर नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं, कुछ लेना ना देना, मुझे कहाँ भेजोगे बाहर? तो सुग्रीव को पूछा मैं ही आ रहा हूँ, सुग्रीव ने हाँ कह दी, भगवान ने कहा कि आप यहाँ। अंगद को जरा डावाडोल है कि अब मुझे भेज रहे हैं, अब मैं किष्किंधा में जाकर क्या करूँगा, पर थोड़ा मन में उसको सुग्रीव का जरा भय तो है ही, सुग्रीव कभी न कभी वो कुछ कर सकता है। तो भगवान अंगद के इस भय का निवारण करने के लिए बाली को अपने गले की माला निकाल कर पहनाए, अंगद को पहनाई, बाली तनई पहराई, पहराई। क्यों पहराई? सुग्रीव मैं अंगद को मेरे कंठ की माला पहनाता हूं, जरा देख ले प्यारे। सुग्रीव समझ गया कि प्रभु ने चेतावनी दे दी कि वहां जाकर यदि अंगद को दबाया तो खबरदार। तुझे याद है मैंने एक बार किष्किंधा के युद्ध में मेली कंठ सुमन के माला, मेरे कंठ की माला तुम्हें पहनाई थी, और उसके बाद वाली को मारा था, आज उसके बेटे को माला पहना तो खबरदार, जो कुछ किया तो तेरी आ बनेगी। ये सब मेरा कोई नो भार न राखे, मुरारी आपे व्याज सहित गिरधारी, क्या हिसाब करता है, ईशनी कोर्टुच है अनेरी, इसलिए माला पहनाई। फिर भी अंगद प्रभु का प्रेमी भी तो हो गया था, इसलिए उसको जाना अच्छा नहीं लगा कि प्रभु मुझे भेज रहे, तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर
गया तो सही, लेकिन बार बार वहाँ मुड़ मुड़ कर देखता है, उसके दिल में कि भगवान शायद कह दे कि नहीं नहीं तू अयोध्या में रह जा, चला, ऐसी उसकी इच्छा है। बहुत दूर तक हनुमान जी विदा देने गए, तब अंगद ने कहा, हनुमान जी आप बड़े भाग्यवान हैं कि प्रभु के साथ अयोध्या में रह रहे, एक काम करोगे? हनुमान जी बोले क्या? कि हम जीव हैं शायद भूल जाए प्रभु का सिमरन, आप एक काम करना, परमात्मा को कोई न कोई प्रसंग में हमारी सुधि दिलाइएगा, दिन में एक बार प्रभु के मुख से अंगद शब्द निकल जाए ना तो हम कृतकृत्य हो जाए। साहब भजन तो वो है, हम तो उसको याद करें, वो हमें याद करें, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अंगद सजल नयन विदा होता है, सब गए, फिर दिव्य राम राज्य की स्थापना, अद्भुत वर्णन प्रेम राज्य का, और फिर मर्यादा पूरी हुई और जानकी जी ने वो दो पुत्रों को, फिर राम की लीला देखो काम, ये तो गुणातीत, लेकिन अरु भोग पुरंदर, साहब भोग में उतरता है हरि तो इंद्र मात खा जाता है, इसलिए ये लीला जो प्रभु पुत्र दो, अबे दशरथ के बेटे यज्ञ से हुए, यहाँ कोई यज्ञ का विधान नहीं है, एकदम तुलसीदास जी बहुत बहुत स्पष्टता करते जा रहे हैं। और दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाय, ऐसे पुत्र प्राप्ति हुई कि मानो हरि का प्रतिबिंब है, ऐसे तो ऐसे प्रभु लौकिक लीला भी करते हुए सुंदर ये सूत्र देते हैं। फिर और तीनों भाइयों के घर भी दो दो पुत्र हुए हैं, ऐसी कथा है। बस फिर राम कथा को वहाँ रख दिया है और काकभूषुंडी जी की कथा शुरू होती है। बाबा रामचरितमानस में चार वक्ता, याज्ञवल्क, शिव और गोस्वामी जी, इनमें किसी का जीवन चरित्र नहीं मानस ने स्वीकारा। तुलसीदास जी ने स्वयं तो थोड़ा बहुत लिखा कि मैं ये हूँ ना, अपनी कुछ बातें लिखी तुलसी। शंकर भगवान का चरित्र थोड़ा जरूर आया, शंकर चरित्र है थोड़ा, याज्ञवल्क का तो इतना बड़ा परम विवेक है आदि आदि, ठीक है, लेकिन पूरा चरित्र यदि आलेखा गया तो कौओ कौए का, हंस तो हंस है साहब, लेकिन कौवा हंस बने वही तो वर्णनीय विषय बन जाता है, वही वर्णन का विषय बनता है, इसलिए पूरा भुसुंडी जी का चरित्र, मानो तुलसी को बहुत प्रिय है भुसुंडी, कितना बड़ा उत्तरकांड का हिस्सा दे दिया काक भुसुंडी जी को, कितना बड़ा, इतना भुसुंडी जी का चरित्र, भुसुंडी जी के अनुभव की चर्चा की। आखिर में गरुड़ जी सात प्रश्न गरुड़ भुसुंडी बाबा को पूछते हैं और सात प्रश्नों के उत्तर देते हुए काक भुसुंडी जी, गरुड़ का सातवां प्रश्न मानस रोग, भगवान शरीर के रोग की बात तो हम समझते हैं, कौवे ने पूछा मानस रोग बताओ, तब काक भुसुंडी जी कहते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला, ए गरुड़ मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, उससे बहुत शूल पैदा होते हैं। सबसे पहले तीन मानसिक रोग की चर्चा की, फिर उनसे फिर पूरी सृष्टि और गोस्वामी जी फिर काम की स्मृति करते हैं। काम बात कपलोभ अपार क्रोध प्रीति करे जो उपजई सन्य पाद दुखदाई विषय मनो ना
नाम को जा। मूल आयुर्वेद की पद्धति से मन के तीन त्रिदोष, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में कहा जाए काम क्रोध लोभ, काम वात का रोग है, लोभ कफ है और क्रोध पीत है। पीत की उग्रता आदमी में जलन पैदा करती है। ये तो सीधी सादी आयुर्वेद की बात है, जो हमारा देशी वैद्य है देशी, उसमें जिसके पीत प्रकोप उसको जलन अंदर अंदर होती है, ये पीत का प्रकोप। किसी को बहुत पूछने की भी जरूरत नहीं, तुमने अंदर थी बहुत बढ़त रहता है समझ लो ना, पीत प्रकोप है। अंदर से जलन था तो हमें क्रोध हुआ है, ये क्रोध पीत। लोभ कफ है, जब कफ आदमी जब तक जितना ही कफ निकालो पूरा ही ना हो, पूरा ही ना हो, अपार है कफ, निकालते जाओ कफ निकलता, कभी समाप्त ही नहीं होता कफ। कफ की जब वृद्धि होती, कई लोग कफ प्रधान होते, कई लोग पीत प्रधान होते, कई लोग वात। और मैंने शुरुआत में भी कहा कि वात का रोग जो हमारे सांधे होते हैं, जोड़ होते हैं, उसको असर करते हैं। पगनोवान, हाथनोवान, खबानोवान, देशी भाषा में कहें खबानो वाह, हांदा हांदा दुखे, ये वात, वात का काम है ना, वो हांदा पकड़े ऐसा है। ये सब्जेक्ट बड़ा बहुत विशाल है साहब, मैंने तो बस संक्षिप्त में पूरा कर दिया और पूरा करना भी है। तो ये जो तीन दोष हैं शरीर के, वो मन के भी है। बस वो मात्रा में रहे तो मन तंदुरुस्त, वात पीत कफ मात्रा में रहे तो शरीर तंदुरुस्त, बस सीधी सी बात है। इतना समझने के लिए 9 दिन थे, बात इतनी है, बात इतनी सी है। कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात तो छोटी, आदमी कौन कि इनके साथ कायर न बने, इनके साथ मजबूत होकर इन दोषों के साथ विवेक से वर्ते। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बस जीवन के सत्य को, प्रभास साहब की एक कविता, यहां मुश्किल है कुछ करके दिखाना, यहां मुश्किल है कुछ करके दिखाना, यहां बहुत मुश्किल करके दिखाना मुश्किल है। बात तो होती है जीवन के सत्य को समझ जाना मुश्किल है, बात तो होती ही रहती है यार। यहां मुश्किल है कुछ करके दिखाना, बहुत आसान है बातें बनाना। सुंदर प्रवचन कर दिया जाए, सूत्रात्मक बातें कर दिया, लेकिन मुश्किल यह है कि करके दिखाए, हिम्मत से हमारे इन दोषों को कबूल करते हुए हम इस जीवन सत्य को कबूल करके निर्भर हो जाए। इस काम दर्शन की कथा को काम सूत्र के रूप में सुनने के बाद मेरी समझ में आपका मन हल्का फूल हो जाना चाहिए, ये दुर्गुण है, दोष है, पाप है, सब भूल जाओ, संतुलन करो। राम ने भी स्वीकारा, क्यों डरते, हाँ अतिरेक ना हो। शेर जंगल में रहे तो न मरता है न कोई मारता है, लेकिन नगर में चला जाए तो कईयों को मार देगा, या तो कोई पुलिस की टुकड़ी उनको गोली से मार देगी। कामदेव विनय पत्रिका में शेर है, बिलक बिलक दुर्गुण को गोस्वामी जी ने विनय में खूंखार पशुओं के नाम दे दिया है। जहां जिसकी जगह है वहां रहे तो कोई तकलीफ नहीं, हमारा काम हृदय में रहे तो ठीक है, बाप की छाया में बाप के साथ बेटा पल रहा है, चिंता मत करो। लेकिन बुद्धि में गया, शेर वन से नगर में गया तो उत्पाद पैदा कर सकता है, उसको नगर में रहना, हृदय भवन प्रभु तोरा, वहां रहे तो क्या आपत्ति है, सत्य को क्यों ठुक रहा है साहब। तो बातें बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करके दिखाना बड़ा मुश्किल है, ये जरा कठिन मामला।
इसी उम्मीद पर बैठोगे कब तक? एक ऐसी उम्मीद लेकर कब तक बैठोगे? कैसी उम्मीद? इसी उम्मीद पर बैठोगे कब तक? हमारा भी कभी आएगा जमाना, हमारा भी मौका आएगा। अरे वर्तमान में जी लो ना, कभी जमाना आएगा। इस उम्मीद पर कब तक बैठे रहोगे? अभी जी लो। और आप ठीक से समझिए, काम सदा वर्तमानवादी होता है, ध्यान देना। कोई भी कामना आदमी को जगती है ना, तो सोचता है अभी मिले, आज मिले। काम सदा वर्तमान काल में रहना पसंद करता है। क्रोध सदा भूतवादी है, कोई घटना घट गई उस पर क्रोध होता है, ये भूतवादी है। अतीतवादी उनका लक्षण है क्रोध, और लोभ सदैव भविष्यवादी है कि इतना एकत्रित कर लूं तो मेरे भविष्य के लिए सुरक्षा हो जाए। ये तीनों दुर्गुण के अपने अपने काल है। करना क्या है साधना में? काल बदलो। मैं पहले ये कहा करता था, जब परीक्षा में एक प्रश्न आता था, काल बदलो, सेंटेंस देगा टीचर वर्तमान काल का, और कहेगा कि भविष्य में बदल। मैं जा रहा हूं, ऐसा वाक्य दे, ये वर्तमान काल है, जा रहा, आई एम गोइंग, बिल्कुल प्रेजेंट में ये बात चल रही। और टीचर पूछेगा उसको, भविष्य काल बना दो, फ्यूचर बना दो, तो कहेगा मैं जाऊंगा। ठीक है, भूतकाल बनाओ, मैं गया था। जो जिस काल में सेंटेंस बदलने को कहा हो ऐसा बदल दे तो पास हो जाए। काम वर्तमानवादी है, उसको साधक को सत्य कबूल करते हुए वर्तमान उसको ठीक रखने के लिए काल बदलो, भूतकाल को याद करो कि काम का अतिरेक जिसके जीवन में हो गया, जो जो उसकी क्या दशा हुई है। इस भूतकालीन बात को याद करने से वर्तमान का काम संभल सकता है। तुरंत आदमी सावधान हो जाएगा कि जिन लोगों ने काम का अतिरेक किया, क्या दशा हुई दशरथ की, देखो काम प्रताप बढ़ाई। अब क्रोध जो भूतवादी, क्रोध किस पर आप करते हैं? बच्चे ने घर में खिलौना तोड़ा और बाप गुस्सा कर ले गया, अब टूटना था टूट गया, अब तेरे क्रोध करने से जुड़ने वाला नहीं है। एक तो टूटा, फिर तुम थप्पड़ मारो। एक बाप ने एक बच्चे को जोर से थप्पड़ खींच के मारी, तो बच्चे ने पूछा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा? तो बोले मेरा बाप मुझे मारता था, मेरे बाप को उसका बाप मारता था, उसको उसका बाप मारता था। बेटे ने कहा हमारे कुल में ये दादागिरी कितनी युगों से चल रही है, ये तो बता कि ये खानदानी कब से आई है हमारे यहाँ, कि सब एक दूसरे को पीटते जा रहे हैं। क्रोध भूतवादी है, उसको भविष्यवादी बना दो कि यदि मैं काकभुसुंडी पर क्रोध नहीं करूंगा विश्वनाथ का, उज्जैन का, महाकाल के, तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। भविष्य का सोचा महादेव ने कि मेरा श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा, इसलिए शंकर ने क्रोध किया। बाकी शंकर में क्रोध हो सकता है कभी? भविष्य के लिए यदि मेरे बच्चे मर्यादा न छोड़ दे, यदि ज्यादा बेफाम न हो जाए, इसलिए थोड़ा उसके ने क्रोध जो भविष्यवादी हो जाए तो अच्छा। और लोभ जो भविष्यवादी है, इतना करें तो इतना हो, इतना कर दे इतना, उसको वर्तमानवादी करो। खबर नहीं कल क्या हो, आज लाभ ले लो, आज जीवन जी लो, ये काल बदल दो। मैंने देहातों में देखा दो वस्तु में, ये मेरी आंखें देखा, मेरा मामला है, मैं आपको बताऊं क्या देखा है, पूछो। कि आपने देखा क्या है, पूछो पूछो पूछो, मुझे कोई जल्दी नहीं, प्लेन मिले ना मिले मारो गोली। यार इतना आनंद कैसे छोड़े यार, आनंद आता है तो कहाँ जाए, मिलेगा अपने गाड़ी जरा स्पीड में चलाएंगे अभिषेक, कोई बात नहीं बेटा। मैंने मेरे तलगाजरा गांव में दो चीज मैंने देखी है। जब कोई कृपण, कोई लोभी आदमी आम की मौसम में, कैरी की मौसम में 5 किलो आम
हम ले आए, पूरा पका हुआ आम नहीं है। फिर घर में एक बांस का जो करंडिया होता है उसमें थोड़ा घास डाल करके उसमें आम रखते, ऊपर फिर घास डालते, ठीक है। अब गर्मी के कारण आम पकते हैं, फिर सुबह वो देखेगा तो जिसमें दाग पड़ गया है, जो बिगड़े हैं वो ही निकालेंगे, इसको पहले खा लो, लोभी की ये प्रकृति होती है। दूसरे दिन दूसरे चार में दाग पड़ जाएंगे क्योंकि भविष्यवादी। तीसरे दिन पूरा करंडिया बिगड़े हुए आम ही खाता है कंजूस। मैंने ये देखा है साहब, मैं सही कह रहा हूं, जितना जितना बिगड़ा हुआ, चलो चलो ये पता, अरे ये किसी को बांट दे, पर जो वर्तमान का है लोभ क्यों करता है, जरा अच्छा आम तो खा ले, लेकिन पूरा कर। दूसरा मैंने देखा हमारे देहातों में जो पान की दुकान होती है, दिला पान तांबुल, वो जो पान रखते हैं, इसमें दुकान वाला जिस पान की किनारे बिगड़ गई हो ना वो ही उठाएगा, उसको काट कट के और दूसरे दिन खोलेगा तो दूसरे पान बिगड़े हुए, पर बिगड़े बिगड़े ही सब ऐसे ही हम बिगड़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरा बिल्कुल निगाह से देखा हो, मेरे चाचा जी थे, अब नहीं रहे, ईश्वरदास बाबू, उसको पान की दुकान थी, तो वो पान की दुकान चलाते थे, राम जी मंदिर से आप इधर आओ तो वहाँ जो दुकानें लगी उसमें एक दुकान, तो काका को जब भोजन करने जाना हो तब मुझे कहे अब तू बैठ दुकान पर, तो मैं आध घंटा दुकान पर बैठता था, तो मुझे पान खाना भी आता है, पान बनाना भी आता है, अब मैंने बनाया पान। और उस समय क्या था, वो प्रवाही काथा चुना होता था, टिकड़ी टिकड़ी काथा चुना, उसको उसको वो करके वो थान चोटीला की जो बरणियाँ आती थी छोटी छोटी, उसमें वो छोटी डांडिया मोट बड़ा होता है, डांडिया रस वाला और पान रस वाला छोटा होता है, लेकिन उसी की जाति के वो होते हैं दोनों, ये डांडिया उसमें रहती थी और एक टोप तीन का टीन का होता, उसमें पान पत्ते ऐसे रखे, या तो एक करंडिये में भीगे कपड़े में कंतान में पान सब छिपाए रखते हैं, एक में सुपारी का चूरा होता है, ये बाहर बाहर और ये सब गुलकंद बुलकंद ये डूचो ही वक्त हतो नहीं, शुद्ध माल था उस समय साहब, शुद्ध माल से पान लिया काटा रोज किया एक लविंग नाकिन दिया, आदमी आंखों दिवस लहर मां निकल जाए साहब। लोग जो भविष्यवादी है उसे वर्तमान पल में जी लो साहब, पल में जी लो। पीछे भी जो भी है यही एक पल, आगे भी जाने पीछे भी जाने तू, जो भी है तो पल। वर्तमान में अतीतानुसंधान छोड़ो, भविष्य सदा चिंता देता है, भूतकाल सदा शोक देता है, मौज केवल वर्तमान ही दे सकता है। काम का काल वर्तमान है, साधक विवेक से उसके समझ जाए तो वर्तमान के काम को नियंत्रित कर सकता है। समझना इतना कि भूतकाल में काम का जिन्होंने अतिरेक किए हैं वो रोगी हुए हैं, भोगे रोग भयम भर्तृहरि ने कहा है कि अत्यंत भोग रोग का बाप है, भोगे रोग भयम। तो जिन लोगों ने अतिशय भोग में डूबे हैं, रावण में अति क्रोध अति लोभ अति काम दिखाया तुलसी ने, तो रावण को सन्निपात हो गया, भया रोग हो गया। मानस में लिखा सन्निपात जलपसि दुर्वादा, हे रावण तुझे सन्निपात हो गया, ये सब लीला में दिखाना था दुनिया।
क्रोध जो भूतवादी है उसको भविष्यवादी कर दो, कि थोड़ा मैं डर दिखाऊं वात्सल्य से तो मेरे बच्चे बिगड़े ना भविष्य के लिए, थोड़ा जरूर। और लोभ जो सदा भविष्य का आयोजन सब बिगड़े हुए काम पान खिलाता है, बिगड़े हुए आम खिलाते हैं, उसके जो पके हैं अभी घोल करके रस पी लो साहब। तो इसी अर्थ में इन दुर्गुणों को यदि हम समझ ले तो बातें बनाना तो आसान है साहब, लेकिन करके दिखाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रवास साहब कहते हैं यहां मुश्किल है कुछ करके दिखाना, बहुत आसान है बातें बनाना। इसी उम्मीद पर बैठोगे कब तक कि हमारा भी कभी आए जमाना, कब तक ये उम्मीद, झूठे मनोरथ में बैठोगे कि हमारा जमाना आया। अरे तेरा जमाना चल रहा है, तेरे मुट्ठी में तेरा जमाना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर। वो एक बहुत पुराना गीत क्या आया, कब जमाना है, जमाना तो मौसम चल रही है। संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों, किया दिन बहार सुनो। ये वर्तमान में ये कथा का नौ दिन जी लिया, जी लिया उसे, आनंद पा लिया। काम का लक्षण है वर्तमानवादी, लेकिन वर्तमानवादी काम संतुलित रहे इसलिए जिन्होंने कामना का अतिरेक किया है वो भोगी कितने रोगी हुए हैं, उस भूतकालीन बात को याद करने से काम सहायक हो सकेगा। तो काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पीत। तो प्रवास साहब की मैं ये जीवन सत्य की बातें कह रहा, जमाना हो गया है रोते रोते, जमाना हो गया है रोते रोते, बहुत महंगा पड़ा है मुस्कुराना। कोई अपना नहीं फिर भी जहां में, कोई अपना नहीं फिर भी जहां में, कहीं तो ढूंढ ही लेंगे हम ठिकाना। अपना तो है नहीं लेकिन कोई ठिकाना तो खोज लेते आदमी। यही दो काम बाकी जालिमों के, यही दो काम बाकी जालिमों के, किसी का दिल किसी का घर जलाना, ये जालिमों का काम है। हमें मालूम है औकात अपनी, बड़ा प्यारा शेर है, हमें मालूम है औकात अपनी, तभी तो आ गया है हमें सर झुकाना। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा, ये सर झुकाना ऐसा। हमको पता है कि दुर्गुणों की कितनी बात करें कि काम को जीत लो, बाकी औकात की पता है हम सबको, इसलिए शरण हो जाओ परमात्मा की। हमको मालूम है कि हमारी, सुग्रीव ने ठीक कहा कि हमसे नहीं होगा मालिक, यह गुण साधन थे तुम्हारी कृपा, और तेरी कृपा कम हुई होगी इसलिए हम नहीं संभल पाए। तू ध्यान ज्यादा रखता तो डाल दो ने उसके ऊपर यार। हमें मालूम है औकात अपनी, तभी तो आ गया है सर झुकाना। हर एक इंसान में है परवाज कमियां, प्रत्येक व्यक्ति में कमियां, कौन पूरा है, परमात्मा है। और परमात्मा भी जब मानव बनकर आता है तो कमियां दिखाता है कि भाई मुझे भी क्रोध आ गया, मुझे भी लोभ आ गया, बाकी किसमें कमियां नहीं है। बहुत प्यारा से, हर एक इंसान में है परवाज कमियां, किसी को फिर भला क्या आजमाना, कि मैं उनको देख लूं, मैं उसको आजमा लूं। अरे पूरी दुनिया में कमियां हैं, किसको आजमाने निकले हैं, अपने जीवन को हरी शरण में रख करके जीना सीख लिया जाए। तो बातें बनाना तो बड़ो तो अच्छी बात है, समझना तो काम क्रोध और लोभ
जिसकी निवारण की व्यवस्था तुलसी ने जो बताई मानस रोग में, जो कल मैं आपके सामने किसी संदर्भ में कह रहा राम कृपा नासरी सब अपनी अपनी औकात समझ करके सर झुकाना सीख लो साहब। सदगुरु वैद्य मिल जाए, उसके वचन में हमें भरोसा आ जाए, भक्ति रूपी संजीवनी हमें जड़ी बूटी दे दे, और श्रद्धा मई बुद्धि से इस अनुपान के साथ हम भजन करें और फिर आगे बोले बस इस विधि से रोग मिटेगा, बाकी कोई उपाय नहीं। गोस्वामी जी कहते देखो, जब हम बीमार होते हैं कोई वैद्य की दवा असर कर गई और हम स्वस्थ होते गए, तो फिर इच्छा होती कि ये खाया था इसलिए बीमार हो गया, जरा ज्यादा काम किया श्रम किया इसलिए बीमार हो गया, ये सब समझ में आने लगता है। तो फिर हम सोचते हैं कि बस अब उसकी ज्यादापना छोड़ दो, अब समय पर काम करें, समय पर खाएं, शरीर को ये जैसे हम सब ज्यादापना छोड़ देते हैं तब समझना अब हमारी तंदुरुस्ती आ रही है। तुलसी जी कहते हैं मन गुरु की कृपा से जब निरोगी बने तो उसका प्रमाण है हृदय में वैराग्य बल बढ़ने में। जब विराग बल बढ़े कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये अतिरिक्त किया था इसलिए मन बिगड़ा था, मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया इसलिए मेरे परिवार में 5-7 दिन जरा बहुत असमंजसता रही, ये फिर हम अपने आप क्रोध की मात्रा निर्णित कर लेते हैं, वैराग आने लगे। विराग वस्तु छोड़ना बहुत आसान है साहब, वृत्तियां छोड़ो, वृत्तियां नियंत्रित हो जाए। क्या क्या अद्भुत प्रैक्टिकल बातें हो रही है कि जब मन में विराग का बल आने लगे तब समझना मैं तंदुरुस्त होता जा रहा हूं, क्योंकि जब आदमी निरोगी होता है तो उसमें शक्ति आने लगती है विराग का बल। आदमी दो व्यक्ति को साथ दे तब खड़ा होता, खुद खड़ा हो जाएगा। बा मुश्किल से पलंग से शौचालय तक लिए चलते थे, अब खुद जाता है, खुद आता है, खुद ना ले, विराग बल आने लगता है, स्वयं आगे बढ़ता है। फिर आगे विषय आश्रय
दुर्बल सब हमारे जीवन का सबका सत्य है कि जब रोग मिटता है तो फिर भूख लगने लगती है, जब बीमार है बुखार है तो सब बेकार लगता है, लेकिन बुखार उतर गया तो फिर भूख लगती, कड़ी भूख लगती। मन जब निरोगी बनता है, बुखार मन का उतर गया तो कौन सी भूख लगेगी? सुमति छोधा, सद्बुद्धि की भूख लगेगी कि अब मैं कभी कुबुद्ध ना हूं, अब मैं किसी का बिगाड़ू नहीं। मैंने अनुभव कर लिया कि जहां सुमति सद्बुद्धि की भूख लगे, सद्बुद्धि की भूख लगे। मानो मैं कथा में गया, मुझे बहुत आनंद आया। कोई आदमी है बिचारी की अभी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, ऐसे ही दुखी हो रहा है। बस मैं दूसरों को चेताऊं, जागृत करूं, मैं जो सुख पा रहा हूं वो बांटूं, मेरे पास प्रभु ने जो क्षमता दी है उसका वितरण करूं। ये सुमति है कि सबको संपदा संपन्न करने की वृत्ति जाग जाए। सुमति छूदा रोज नई भूख लगे, साहब ताव उतरी जाए पे आपने कहीं मरचा ना भजिया बनाओ, आलू का बनाओ, फिर लगे नहीं नहीं थोड़ी खीर बनाओ, फिर लगता है नहीं थोड़ा शीरा, नहीं तो ये शीरो ये भजिया डूचो लगे ताव है इधर। सुमति छुधा बाढ़ नित नहीं रोज नई भूख लगे, सद्बुद्धि की, सद्बुद्धि की भूख लगे। विषय आस दुर्बल कमजोरी मिट जाती है, आदमी का रोग मिटा कमजोरी मिट गई। विषयों की आशा के कारण संतुलन नहीं कर पाया और इस आशा के अतिरेक में मैं बीमार हुआ था, अब विषय की आशा रूपी कमजोरी मिटने लगी, अब दुर्बलता गई कमजोरी चली गई। आगे बोले विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब अब 8 दिन का किसी का बुखार है, ठीक है, क्रमशः क्या ट्रीटमेंट हो रही है क्रमशः। अब देखो रोज नई भूख लगे, बुखार था कुछ अच्छा नहीं लगा, रोट लो खाई गुदड़ू खाता हुई उला नहीं तो थी रोटी, लेकिन फिर रोज नई नई भूख लगे। और फिर 8 दिन हो गया बुखार, फिर घर वाले कहते, खुद कहता अब जरा मैं नहा लूँ, 8 दिन से नहीं नहाया, अब जरा नहा लूँ, घिस करके नहा लूँ। फिर निर्मल ज्ञान में वो स्नान करता है, निर्मल विवेक के जल से वो अपने आप को नहलाता है, और जब नहा लिया तब राम भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाती है, पूरी तंदुरुस्ती उनका निवास कर लेती है। और जितना बड़ा रोगी और जितना बड़ा आदमी उसके लिए डॉक्टरों की पूरी पैनल काम करती है, यहां 5 डॉक्टरों की पैनल बैठी कि अब डिस्चार्ज कर दिया जाए इसको, अब अस्पताल से उसको मुक्त कर, 5 डॉक्टर बैठे। शिव सुख सन का शिव अज ब्रह्मा सुक सनकारिक और नारद 5 डॉक्टरों की पैनल बिठा दी कि भाई आप निर्णय करो, अब उसको ज्यादा हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं, आप उसको छुट्टी दे दो, आप वो निरोगी हो गया, क्योंकि ये पांचों ने पूरी पैनल ने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय किया? सब कर मत खदनायक
करी राम पद पंकज। पांचों श्रेष्ठ डॉक्टरों ने निर्णय कर दिया, सब कर मत गगनायक, पांचों ने एक मत साइन कर दी कागज में, पांचों ने क्या प्रभु के चरण में प्रीत करो, बस तुम्हारा रोग गया, अबे हरि चरण की प्रीत लग जाए। आगे बोले श्रुति मुरार सब ग्रंथ कहा रघुपति भक्ति बिना डॉक्टर की श्रेष्ठ पैनल बैठकर निदान कर रही कि कछुए की पीठ पर कभी घास नहीं उगता, लेकिन चलो उग जाए, और वांझ स्त्री का बेटा किसी को मार दे असंभव, क्योंकि वांझ को बेटा ही नहीं हो सकता, वो वांझ इसलिए तो कहलाती है कि बेटा, लेकिन मान लो वांझ का बेटा किसी को मार दे, नभ में कभी फूल नहीं खिलते लेकिन शायद फूल खिल जाए, न घटने की घटना घट जाए तो भी संसार में जीव हरि भजन के बिना सुख नहीं ले सकेगा। और आगे तुषा जाई मरु मृग जल पाना सस मृग जल से किसी की तृषा न जाए, चलो चली जाए, ससला के सिर पर कभी सिंह नहीं उगेंगे। एक एक के इतने आध्यात्मिक अर्थ है साहब की, पांच डॉक्टर पर एक कथा हो सकती है, ये पंच डॉक्टरों की जो पैनल है, क्या तुलसी दृष्टांत लाए है साहब, एक एक दृष्टांत पर एक एक व्याख्यान हो सकता है साहब। ससला के सिर पर श्रृंग नहीं हो सकते, शायद हो जाए। सूर्य अंधेरे को मिटा सकता है, लेकिन मान लो शायद ऐसा हो जाए कि अंधेरा सूरज को मिटा दे, तो भी राम विमुख होने से जीव को सुख नहीं मिलेगा। थे बरु हो सिखता बिनु हरि भजनन भवतरिय यह सिद्धांत अपे। पानी को मथने से घी नहीं निकलता, शायद घी निकल जाए, विज्ञान कभी ऐसा सिद्ध कर दे, चलो, और बालू को पीसने से तेल नहीं निकलेगा, शायद निकल जाए, मिट्टी का तेल तो ऑलरेडी आ ही गया, केरोसिन तो है, मिट्टी का इत्र आता है,
हो सकता है कल विज्ञान ये रेत को पीसकर भी उसको सूक्ष्मतम निचोड़ तेल विज्ञान कर दे शायद, फिर भी ये बात कभी नहीं होगी। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे, हरि के भजन के बिना अत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। बाबा बोले, मस कही करही विरंचि प्रभु अजही मसकले अस विचारी तजी संशय राम मच्छर को परमात्मा ब्रह्मा बना देता है और ब्रह्मा को भगवान मच्छर बना सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य परमात्मा का है। ऐसा सोचकर प्रवीण आदमी, समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी वो है कि जो हरि भजता है। विनिश्चितम वदाने नान्यवचांसि मे हरि अब प्राकृत भाषा में प्रसंग चलता, संस्कृत डाल दिया बीच में, यहां संस्कृत का श्लोक डाल दिया, मिश्रित श्लोक है। क्यों? जब संकल्प के रूप में जब हमारे यहां निर्णय लिया जाता तब संस्कृत में बोला जाता है। ये निर्णय दिया गया है पंच डॉक्टरों की पैनल का, इसलिए संस्कृत में उद्घोषणा की है कि भाई भगवान के भजन बिना इस भव सिंधु को कोई तैर नहीं पाएगा, इतना पक्का कर दिया। गरुड़ बहुत खुश हुआ, पंख फुला करके वैकुंठ गया। काकभुसुंडी जी ने कथा पूरी की, याज्ञवल्क ने पूरी की कि नहीं भगवान जाने। भगवान महादेव ने भवानी को कहा, देवी कुछ सुनना है? बोले, महाराज तृप्ति नहीं हो रही, मैं कृतकृत्य हो गई आपके वचनामृत से। भवानी के सामने शिव ने कथा पूरी की और फिर बाबा भुसुंडी अपने मन को समझाते हुए, कलयुग में एकमात्र साधन है राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, राम बचने से किसको गति नहीं मिली। और तुलसी अपनी राम कथा को विराम देते हुए, जाकी कृपा जाकी मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान रघुनाथ। जिसकी लवलेश कृपा से मेरा जैसा मति मंद तुलसीदास आज परम विश्राम को प्राप्त कर रहा है, मेरे लिए राम के समान और कौन हो सकता है। वो समदीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मही हरहु विषम भवहि कामहि नारि प्यारि जिमि लोभि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ प्रिय लागहु। कामी को स्त्री जिस तरह प्रिय लगे, लोभी को धन प्रिय लगे, इसी तरह हे हरि तू मुझे निरंतर प्रिय लगो। इतनी मांग करते हुए तुलसी कहते, यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति अनुशम प्राप्ते तुरामाय मत्वा तद्रगुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तभामानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमां दूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्तिये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा।
इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकल सुविध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। गोस्वामी जी ने विराम कथा को विराम दिया। अब इन चारों महापुरुषों की आशीर्वादक छाया में बैठकर मेरी तिलगा जरड़ी व्यासपीठ आपके सामने नौ दिन के लिए मुखर हुई थी। मैं भी मेरी इस राम कथा की गान को विराम देने को हूँ। तब मेरे भाई बहन समग्र आयोजन से मैं पूरी मन से मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे इस राम कथा के प्रधान मनोरथी यजमान परिवार अरुण भाई श्रॉफ और उनका परिवार, वो और आप सब सबके लिए मैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, सबके वंश में भगवत प्यार पनपता रहे। अन्य सभी ने प्रशासन से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी ने और बच्चे से लेकर बालक तक सभी ने इस प्रेम यज्ञ में अपना सहयोग दिया है। सबके प्रति मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। सुचारू रूप से भगवत कृपा से कथा संपन्न हो रही है, फिर भी हम जीव हैं, कोई त्रुटि रह गई हो तो तीन बार एक मंत्र का उच्चारण करें ताकि इस प्रेम यज्ञ की पूर्ति हो जाए। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। नौ दिवसीय ये राम कथा मानस कामसूत्र, जो जो बातें मानस के आधार पर आपके सामने रखी है, यदि ये बात सूर्य के प्रकाश में और भीतरी पवित्रता में ठीक से समझी गई हो तो अवश्य फायदा हो सकता है, हम निर्भार और तंग मानसता से बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपको एक बार कहा था कि काम सूत्रों के ऋषियों ने एक सूत्र दिया है, मैं आपके लिए लिखाऊंगा कि वो तीन में मानते हैं निर्वाण की, वो बात नहीं करते हैं, धर्म अर्थ और काम। और उनका स्पष्ट मानना है कि इन तीन शास्त्रों को, इन तीन दर्शनों को, इन तीनों के सूत्रों को जो ठीक से समझ लेगा वो जितेंद्रिय हो जाएगा, वो आदमी अपने आप को हल्का फुल्का कर सकेगा, संतुलन करेगा, ठीक मात्रा में समझ जाएगा। तो इसलिए उसका एक मंत्र है, मैं आपके सामने रखूं, आप सब बोले रक्षण धर्मार्थ कामानम स्थितिं स्वाम लोकवर्तिनी अस्य शास्त्रस्य तत्वज्ञो भवत्येव जितेन्द्रियम्। काम अर्थ और धर्म के सूत्रों को जो ठीक से समझ लेगा, उसकी मात्रा में समझ लेगा, संतुलन कर पाएगा, विवेक के उजाले में परखेगा, तो वो उसका फल बताया, वो आदमी भवत्येव जितेंद्रियम, वो जितेंद्रिय हो सकता है। हनुमान जी कैसे जितेंद्रिय हुए होंगे, इस तरह जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये इस शास्त्र का सार भी महापुरुषों ने बताया है। मेरे भाई बहन, नौ दिन के लिए मेरी व्यासपीठ यहाँ मुखर हुई थी, आप सब ने बहुत एकाग्रता से मानस काम सूत्र की, मानस के आधार पर काम दर्शन की इस कथा को सुना, मुझे तो बहुत आनंद आया, शायद आपको भी आया है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हर कथा हमारे लिए आनंद वृद्धि का सामान बन रही है, बस जा ही रहे आनंद में, ऊपर ऊपर उठ रहे, इसकी प्रभु की कृपा के सिवा उसके पीछे कोई कारण नहीं है। बहुत आनंद हुआ, आइए हम इस पूरी कथा को समर्पण करें, इससे पूर्व वही दो पंक्तियों का एक बार गान कर लें।
काम कर, सब गाइए, कछुनी की रखवारी हरी करेगा उसको कौन क्या कर सकेगा। मुद्दई बुरा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो मेरे भाई बहन, इन पंक्तियों को हम किसको अर्पित करें? मुझे दो को अर्पित करनी है पंक्तियां, ये पूरी कथा। सूर्य मंदिर में अंदर बैठे सूर्य देव को और बाहर विराजित कामदेव को, दोनों को ये कथा समर्पित। भीतर सूर्यदेव और आर्ट के रूप में जो काम की जो बातें, अथवा तो जो आपने दर्शन किए हों, मैंने तो बहुत पहले आया तब कभी देखा, भूल गया हूँ, और इस बार न जाने की इच्छा हुई और समय भी नहीं बस, तो इसलिए जो बाहर आर्ट के रूप में जो कामदेव है और भीतर हार्ट के रूप में सूर्यदेव है, ये कामदेव सूर्यदेव और इस कामदेव दोनों को ये नव दिवसीय राम कथा मानस काम सूत्र हम सब मिलकर समर्पित करें। तेरा तू संभाल अच्युतम राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर राम चंद्र की रघु राम चंद्र की पवन सुत हनु उमापति महादेव बोलो भाई सर्व हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राम कथा विराम ले रही है और मैं मेरा बोलना बंद करूं इससे पूर्व दो मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय कर लें, फिर इस कथा को विराम दें। तो हरे राम। सब साथ में गाइए। हरे राम हरे
हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम ऐसे प्रेम यज्ञ केवल हनुमंत कृपा और उनकी उपस्थिति से ही पूरे होते हैं। ये कई महापुरुषों के अनुभव हैं, इसलिए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने को अनुभव नहीं, इसके मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हो गया है किसी की कृपा। मैंने पहले दिन कहा था मिस्किन का शेर वहीं से भी पूरा कर दूँ कि आम तो आकाश माँ सागर माँ कोई केड़ी न थी, पण एनो अर्थ ये नहीं कि कोई ये सफर खेड़ी नहीं साहब। कईयों के अनुभव होते हैं, इसलिए उन्हीं की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है। पुनः एक बार श्रोव परिवार के प्रति मेरी प्रभु प्रार्थना और प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हुआ, मैं मेरी राम कथा को यहाँ कुछ दिनों के लिए विराम दे रहा हूँ। फिर नया बिस्तर नया मंदिर नया बिस्तर नया दाना नया पानी, ऐसा ही हमारा तो जोगी वाला फेरा चल रहा है। तो बाप राम कथा को विराम दे दिया जा रहा है। जय जयकार करे इससे पूर्व हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बोलिए हनुमान बाप। आखिर में फिर एक बार भगवान जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करते हुए, सूर्य भगवान को नमन करते हुए, गौरांग चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, आप सभी मेरे भाई बहन टीवी से देखने वाले और सभी दुनिया के सभी भाई बहन को व्यास पीठ से विदा लेते हुए मेरा पुनः एक बार प्रणाम। मानस काम सूत्र राम कथा विराम ले रही है, भाव से बोल राम चंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की सदगुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव कारण आयो सो सर्व भयो दर्शन पायो देवी परम पावन तव संभयो मोह संशय।
ताति पावन सदा सुखद सागर ताल सुनावम मोहि पार पार विलुवम कहितो गरुड़ के गिरा बिंदा सरल प्रेम सुखद देवता सुमन परम उचाला गुरुदे रघुपति गुंगा ब्रह्मी अति अनुराग भवानी राम
छू